हाय गाइस, शाहू अर्जुमन और आज मैं आपको लेकर जाऊंगी सिग्नेचर कैफे। मैं जा रही हूँ सिग्नेचर कैफे और जहां हम करेंगे फुल एंजॉय। सिग्नेचर ब्रिज काफ़ी फेमस है और उसी के फेमस होने की वजह से वहां बनाया गया है सिग्नेचर कैफे। बहुत तारीफ सुनी है हमने सिग्नेचर कैफे की, तो हमने सोचा क्यों ना वहां जाकर एंजॉय किया जाए और देखा जाए कैसा है सिग्नेचर कैफे। तो हम निकल चुके हैं घर से सिग्नेचर कैफे के लिए और अभी हम रास्ते में हैं। आज हम पूरी फैमिली नहीं है, साथ में भाई है, भाभी है और मेरी मम्मी है और मैं हूँ। बस हम इतने ही लोग हैं, पूरी फैमिली नहीं है आज साथ में। सिग्नेचर कैफे के रास्ते में ही ये छोटी सी एक मार्केट है जो बहुत अच्छी है, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। गुजरते हुए ही जाएंगे हम सिग्नेचर कैफे और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। लिफ्ट से जाएंगे अब हम फिफ्थ फ्लोर पर। अब हम फिफ्थ फ्लोर पर आ चुके हैं। तो गाइस, आ चुके हैं हम सिग्नेचर कैफे। हम पहुंच चुके हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट देख सकते हैं आप, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। सिग्नेचर कैफे सिचुएटेड है मजनू के टीले के पास। सिग्नेचर कैफे जो फेमस हुआ है सिग्नेचर ब्रिज की वजह से, ये रूफ टॉप कैफे है। सिग्नेचर कैफ़े में आउटर सीटिंग भी है, इनवर सीटिंग भी है। मैनली लोग सब आउटर सीटिंग ही रेफ़र करते हैं क्योंकि वहाँ से जो सिग्नेचर ब्रिज का व्यू आता है वो कमाल का आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और मैंने बहुत रिलैक्स फील किया है यहाँ आकर। रात के टाइम हम यहाँ आए हैं और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा यहाँ चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। सिग्नेचर कैफ़े आकर मैंने अपने फ़ोटो क्लिक किए हैं जो बहुत ही अच्छे आए हैं, वाओ अमेजिंग। रात का टाइम है, लाइटनिंग है और ठंडी ठंडी हवा है, हल्का हल्का म्यूज़िक है जो और इस माहौल को खुशनुमा कर रहा है। आप यहाँ रात के टाइम ही आइएगा क्योंकि यहाँ रात के टाइम में ज़्यादा अच्छा लगता है। सिटिंग भी बहुत अच्छी है और काफ़ी क्लीन है, आप देख सकते हैं। मैं तो फुल मार्क्स दूंगी सिग्नेचर कैफ़े को। आप यहाँ आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको यहाँ आकर अच्छा ही लगेगा और आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। फिफ्थ फ्लोर पर बना है ये सिग्नेचर कैफ़े, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है सिग्नेचर ब्रिज का, अमेजिंग यार, ये तो आपको आकर ही यहाँ पता लगेगा।
जब कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तब देना साथ मेरा। बहुत मज़ा आया यहाँ आकर और मैंने फुल इन्जॉय किया यहाँ पर, और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मैं फिर दोबारा ज़रूर आऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। टाइम स्पेंड करने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। सिग्नेचर कैफ़े के बारे में लोगों को अभी ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि ये अभी फ़िलहाल में ही ओपन हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के टेस्ट के बारे में। टेस्ट कहें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले हमने यहाँ आइस टी ऑर्डर की थी जो बहुत ही टेस्टी थी और टेस्ट में ज़बरदस्त थी, हमें बहुत अच्छी लगी आइस टी। फिर हमने मोमोस ऑर्डर करे और मोमोस जो थे वो हमने दो तरह के मोमोस लिए थे और दोनों का ही टेस्ट बहुत ही अच्छा था। बजट वाइज अगर सिग्नेचर कैफ़े को देखते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। फूड आप टेक अवे भी कर सकते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं फुल मार्क्स दूंगी टेस्ट के लिए। बजट वाइज अगर हम सिग्नेचर कैफ़े को देखें तो बजट फ्रेंडली कैफ़े है और काफ़ी अच्छा कैफ़े है और आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर करें। और ये देखिए मेरे भाई बैठे हैं सामने, अभी हम घर से सब लोग नहीं आए हैं, अब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँगी। कमाल का व्यू है सिग्नेचर कैफ़े का, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए। फुल आउट ऑफ फुल अच्छा प्लेस है, इन्जॉय करें। हमें तो यहाँ बहुत मज़ा आया, आप भी यहाँ आइए और इन्जॉय करिए। तो हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मोर एंड मोर शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए और इसी तरह के व्लॉग बनाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि और अच्छे से अच्छे मैं आपके लिए व्लॉग लेकर आऊँ। तो जुड़े रहिए स्मार्ट वूमन हैक्स से और देखते रहिए स्मार्ट वूमन हैक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।